आज मैं शेयर करने वाली हूँ केरल की जो वुमेंस होती हैं वो अपने बालों में क्या यूज़ करती हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और उनके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे और ब्लैक होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया मिक्सर ग्राइंडर में 2 कटा हुआ प्याज बारीक काट लिया एंड उसमें डाला है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ एंड करी लीव्स डाले हैं मैंने 2 मुट्ठी तो एंड उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया है। उसमें सर थोड़े से 2 चम्मच मैंने डाले हैं सरसों का तेल एंड यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई। तो आप लोहे की कढ़ाई लोगे तो उससे आयरन का जो गुण है वो आपके ऑयल में आएगा, बट मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी तो मैंने लिया है नॉर्मल जो कढ़ाई जो हम घर में यूज़ करते वो लिया है एंड उसमें मैंने डाल दिया है 200 ml कोकोनट ऑयल एंड उसमें डाल दिया है जो अभी मैंने ग्राइंड करा था वो मिक्सर। तो उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और लो फ्लेम पे आपको पकाना है। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये ऑयल रेडी हो जाता है। तो इसको अच्छे देख सकते हो काफ़ी जल्दी बॉयल आने लग गया है, तो इसको अच्छे से पका लेना है। अनियन में होता है सल्फेट जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बालों की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है एंड इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे बालों में रूसी या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको कम करने में मदद करता है। और साथ ही यहाँ पर बॉयल होने के साथ मैंने यहाँ डाल दिया है 4 से 5 गुड़हल के फूल जो कि ड्राई हो चुके हैं एंड 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना और अगर आपके पास ताज़ा है गुड़हल का फूल तो वो भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड करी लीव्स के बेनिफिट्स आपको पता है, बॉडी से लेकर हेयर तक काफ़ी बेनिफिट है। एंड उसके बाद इसमें डालना है मैंने 1 tablespoon ऑलिव ऑयल, 1 tablespoon कैस्टर ऑयल। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है और साथ ही हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और करी लीव्स इसमें प्रोटीन, विटामिन और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ ही बालों को घना मजबूत बनाने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो 15 से 20 मिनट के बाद ये ऑयल पूरा तैयार हो चुका है और जो इसके करी लीव्स हो गए, मेथी दाने, ये सब थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं गैस को कर दूँगी ऑफ और ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। तो मैं कॉटन के कपड़े से छान रही हूँ, आप भी कॉटन के कपड़े से छानिए जिससे कि जो भी बारीक पार्टिकल होंगे वो आप ऑयल में नहीं आएंगे और हमारे बालों के अंदर जड़ में नहीं चिपकेंगे। तो अच्छे से इसको छान लिया है और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस के और एज अ मास्क भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको अच्छे से निचोड़ देना है और इसको आप 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हो एंड वीक में आपको 2 times अप्लाई करना है। आप बाल धोने से 1 घंटे पहले भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आप ओवरनाइट अप्लाई करोगे तो काफ़ी अच्छा है आपके बालों के लिए। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है जिससे कि ऑयल ख़राब ना हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना एंड कोई सजेशन हो, कोई आपको वीडियो पसंद है जो मैं आप चाहते हो मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।